बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो मुझे ऑर्डर अभी आया है, एक आलू पराठा, 7 शामी कबाब और एक चिकन कौरमा। तो अभी मैं उसकी तैयारी करूँगी और आपको दिखाऊँगी। इधर कौरमा मैंने बना के रखा हुआ है और अभी मैं उसको गर्म करके पैक करूँगी। आटा भी गूंदा हुआ है। यहाँ पे मैंने प्याज और सब्ज मिर्च अलग से काट ली थी। अभी मैं फटाफट से आलू भी, अभी सुबह से पराठे आ रहे थे तो मैंने आलू पहले से मैश करके रख लिए थे और प्याज और सब्ज मिर्च भी काट कर रख ली थी। बस अभी इसमें नमक मिर्च नहीं ऐड की थी, वो ऐड करके तो पराठा बनाऊँगी। इधर और आलू बॉयल होने के लिए रख लिए हुए हैं और साथ ही फटाफट से शामी कबाब भी फ्राई कर लूँगी। सुबह से पराठे आ रहे थे इसलिए मैंने पहले से ही आज आलू को मैश करके रख लिया था। तो सूखा धनिया धनिया पाउडर जो वो पहले से ऐड कर लिया था। बाकी का जो मसाला है वो अब ऐड करके तो पराठा भी बनाऊंगी। इसलिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, शामी वो फ्राई कर रहे हैं और पराठा बनाऊंगी और साथ ही सालन जो है कौरमा वो भी तकरीबन गर्म हो चुका है।
थोड़े दिन गुजर जाते हैं आपका किचन आपको लाइफ टाइम करते हुए, तो आपको पता चल ही जाता है कि कौन सी चीज़ आपकी जो वो ज़्यादा चल रही है। मेरे आज सुबह से पराठे आ रहे थे आलू वाले, तो मैंने पहले से मिक्सर बना के रख लिया था इसीलिए मैं, ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। और अभी बाकी का आलू मैंने और रख दिए ऊपर बॉयल होने के लिए। तो इसी तरह आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे आपका कौन सी चीज़ जो ज़्यादा जा रही है, सुबह ही पता चल जाता है। तो फिर बताओ, वही चीज़ पहले तैयार करके रख लेता, बाकी साथ साथ तैयार कर लेता। सामान तो आपने जो मेन्यू का रोज़ ही तैयार करना होता है, चाहे थोड़ा थोड़ा करें, बल्कि कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा ही करें ताकि ज़ाया ना हो और कस्टमर को ताज़ा खाना जाए। मेरा अगला ऑर्डर आ चुका है, एक आलू मटर, एक आलू गोश्त, एक चिकन कौरमा, 6 सादा रोटी, एक वेजिटेबल सलाद और एक शामी कबाब है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपको इनकी तैयारी दिखाना। मैं अपनी हर वीडियो में साथ साथ आप लोगों को बताती रहती हूँ कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हैंडल कर सकते हैं फूड पांडा के ऑर्डर के साथ साथ घर की रूटीन को। तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, सुबह आज सुबह कपड़े धो के मैं नमाज पढ़ने के बाद मशीन लगा रही थी, और साथ ही फिर बच्चों का लंच वगैरह बना लिया था, बच्चों ने जाना था उनके लिए नाश्ता लंच, वो सुबह सुबह कर लिया। नमाज पढ़ के फिर मैं लेटती नहीं होती, मैं अपने बाकी के काम से लेती हूँ। तो इसी तरह फिर बच्चों के जाने के बाद मैं कुकिंग कर लेती हूँ फूड पांडा के लिए थोड़ी थोड़ी। कब सारी बहनों को मैं बता भी चुकी हूँ और साथ साथ बताती रहती हूँ कि जब आप रूटीन में आ जाएंगे, शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप रूटीन में आ जाएंगे थोड़े दिन गुजर जाएंगे तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। प्रॉफिट तो इसमें है, देखिए हम अगर आप कहें कि हम बिल्कुल हर घर का सारा खर्चा इस पर चलाएं तो वो तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये है कि हम अपना किचन जो है वो अच्छे से चला सकते हैं, फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती, बाहर नहीं जो हाउसवाइफ मेरी तरह जा सकती है, वो घर बैठे अगर अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो ये काम इजीली घर बैठे कर सकती हैं। आपको कुकिंग आनी चाहिए, बस कोशिश करें, अच्छी कुकिंग अगर आप कर लेती हैं तो फिर आप ये इजीली हैंडल भी कर लेंगी। थोड़े दिन जब गुजर जाएंगे आपकी स्पीड खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी, इजीली आप मैनेज करना सीख लेंगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में साथ साथ आप लोगों को डिटेल से बताती रहती हूँ कि किस तरह से आप हैंडल कर सकती हैं, और कमेंट्स के जवाब भी मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ही आपको देती रहती हूँ। मौलाया सल्लिमा सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। मौलाया सल्लिमा सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सैयदुल कौनैनी वासा कालैनी। मुहम्मदुन सैयदुल कौनैनी वासा कालैनी वल फरीकैनी मिन अरबिल व मिन आजामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबी बेका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। कहते हैं ना, कोई भी काम नामुमकिन नहीं, बस मुश्किल जरूर होता है। आप हिम्मत ना हारे तो इंशाल्लाह ताला आप हर काम में कामयाब होंगे। बस कोशिश और हिम्मत की जरूरत है, फिर आप कोई काम जो है ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर सकती हो। कोई जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर जाके ही काम कर सकती हैं, घर बैठे भी आप काम कर सकती हैं, ऑनलाइन भी आप कुकिंग का काम कर सकती हैं। मैंने भी अभी टिफिन सर्विस शुरू करनी है साथ ही, तो अभी उस पर भी काम जारी है, फिर मैं साथ साथ आपको उसका भी तरीका बता दूंगी, उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आप घर बैठे टिफिन सर्विस जो है ऑनलाइन वो भी कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए
ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और आप क्वेश्चन हो या कोई और कुछ कोई बात पूछनी हो, मैं इंशाल्लाह ताला उसका भी आंसर कर दूँगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी होती है, हौसला मिलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। बस आप लोग दुआ करें कि मैं जिस मकसद के लिए काम कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे उस मकसद में कामयाब करे। आप लोगों की दुआओं का साथ चाहिए। रेडी हो चुका है कोरमा और आलू गोश्त रेडी है। अब यहाँ पे मैं आलू मटर पैक करने लगी हूँ। एक बहन ने पूछा था कि धनिया जो है वो आप काट के फ्री सेव करती हैं। धनिया मैं रोज़ का रोज़ ताज़ा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके तो ताज़ा ताज़ा सुबह कटिंग करके रख लेती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा से कटिंग कर लेती हूँ। तो रोज़ का रोज़ ताज़ा लेती हूँ क्योंकि धनिया फ्रेश ही अच्छा लगता है, वरना उसकी लुक ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ताज़ा ही इस्तेमाल करती हूँ। राइडर भाई भी आ चुके हैं और ऑर्डर भी पैक हो गया, बस अब बाकी देर में डिलीवर करना है। अलग अलग सालन पैक करते हैं ताकि गिरे ना, एक दूसरे के ऊपर रखने से गिरने का खतरा होता है, इसलिए अलग अलग शॉपर में पैक कर देते हैं। वेजिटेबल सलाद, शामी कबाब, साथ केचप। मैंने आज के ऑर्डर्स की आपको तैयारी दिखाई और कोशिश करती होती हूँ कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। फिर मैंने बाकी के काम करने होते तो जितनी जितनी हो सकती है मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती रहती हूँ, आप लोगों का बताती रहती हूँ, गाइड करती रहती हूँ किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं घर को और साथ साथ फूड पांडा के काम को। तो मुझे बताएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इसी दुआ के साथ के जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ताक करें, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।